उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इसी के चलते अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अहमदाबाद में 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ में तकरीबन 24,000 करोड़ के निवेश पर करार हुआ है। इसके साथ ही अभी तक लगभग 94,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों पर करार हो चुके हैं। इसके बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबूधाबी के साथ चेन्नई, बेंगलोर और अहमदाबाद में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ में बैठक हुई है, जिसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्री, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी आदि के क्षेत्र में निवेशकों से काफ़ी करार हुए हैं। निवेशक उत्तराखंड में निवेश के प्रति काफ़ी आकर्षित है। अभी आगामी दिनों में मुंबई में भी निवेशकों के साथ में संवाद और रोड शो आयोजित होना है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, चेन्नई में भी काफ़ी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में, चूँकि उत्तराखंड के साथ उन चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदार खंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1,00,000 करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी को केंद्रित करते हुए सभी प्रकार के जो प्रस्ताव हैं सभी सेक्टरों के हमको मिले हैं। फार्मा सेक्टर के भी बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिले हैं।